भरत मुनि का रस सिद्धांत। भरत मुनि के अनुसार कला का क्षेत्र अत्यंत व्यापक भी है, जिसमें शुभ अशुभ सत असत कर्मों देव दानवों के विभिन्न भावों का चित्रण होता है। वे कला के प्रयोजनों मनोरंजन व उपयोगिता दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। रस का संबंध केवल काव्य कला या नाट्य कला से ही नहीं है, वरन उसे सभी कलाओं के आधारभूत तत्व के रूप में विकसित किया जा सकता है। वस्तुतः पूर्वी क्षेत्रों में जिसे रस कहते हैं उसे पश्चिमी क्षेत्रों में ब्यूटी या सौंदर्य कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से रस सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। रस सौंदर्यानुभूति का आधार है। जो भी सुंदर है वह इसीलिए सुंदर है क्योंकि उसका मूलाधार रस है। रस को आनंद का पर्याय भी माना जाता है। रस वस्तुगत माधुर्य या सौंदर्य नहीं, वरन उसके आस्वाद से प्राप्त होने वाला एक विशिष्ट अनुभव है जो आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। यह आनंद वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होता है। भरत मुनि का मत। रस सूत्र की विभिन्न आचार्यों ने व्याख्या की है, किंतु उससे पूर्व हमें भरत मुनि के मत को जान लेना आवश्यक है। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पृति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। रस के संपूर्ण विवेचन का आधार भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र है, तत्र विभानुभाव व्याभिचारी संयोगात्र सनिष्प्रति। अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस निष्प्रति होती है। इस सूत्र में मूलतः रस की निष्प्रति का आख्यान है, स्वरूप का नहीं। उसके स्वरूप का विवेचन भी इसी में निहित है और आगे चलकर इसी के आधार पर इसके स्वरूप का पल्लवन हुआ, किंतु उनका यह रस संबंधी सूत्र कुछ ऐसा अस्पष्ट है कि उसके वास्तविक आकार के संबंध में कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। इस सूत्र को समझने के पहले भाव विभाव तथा अनुभाव भावों को समझना आवश्यक है, क्योंकि रस के मूल आधार स्थायी भाव हैं और विभाव अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। भाव मन के विचारों को भाव कहते हैं। ये वाणी अंग रचना एवं अनुभूति के द्वारा काव्यार्थों का भावन कराते हैं, इसीलिए उन्हें भाव कहते हैं। भाव रस से स्वतंत्र नहीं है तथा न ही भावों के बिना रस की स्थिति है। ये एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। ये स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों द्वारा उद्दीप्त होकर रस रूप में परिणत होते हैं। भावों के दो प्रकार बताए गए हैं, स्थायी भाव संचारी या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव जो सहृदय के अंतःकरण में मनोविकार वासना या संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता। स्थायी भाव रस का मूल है। स्थायी भाव चित्त में चिरकाल तक चंचल होकर निवास करते हैं। स्थायी भाव मानव चित्त की वासना या संस्कार हैं, ये सब मनुष्यों में होते हैं। स्थायी भाव अन्य भावों को भी स्वयं में लीन कर लेता है। स्थायी भावों की संख्या भरत ने 8 मानी है। भाव और उनके रस, रति श्रृंगार हास हास्य शोक करुण उत्साह वीर
क्रोध, रौद्र, भय, भयानक, जुगुप्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत, इन 8 स्थायी भावों के आधार पर ही 8 रस माने हैं। परवर्ती आचार्यों ने 9वां स्थायी भाव निर्वेद माना तथा उससे संबंधित 9वें शांत रस की स्थापना की। कालांतर में 9 रसों में 2 रस वात्सल्य और भक्ति भी सम्मिलित किए गए। संचारी या व्याभिचारी भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात स्थायी रूप से निवास करते हैं। उन्हें स्थायी भाव भी कहा जाता है, परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए ही स्थायी भाव को पुष्ट करके सहायक के रूप में आते हैं तथा तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव हैं। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ हो सकता है, इसीलिए उन्हें व्याभिचारी भी कहा जाता है। उदाहरणतः किसी को अपने प्रति अपशब्द कहते सुनकर क्रोध आता है, यह क्रोध स्थायी भाव है, परंतु जब हमें ज्ञात होता है कि यह व्यक्ति कभी पहले हमारा निरादर कर चुका है तो उस पूर्व प्रसंग का स्मरण हमारे क्रोध को पुष्ट करके लुप्त हो जाता है। यहाँ स्मरण संचारी भाव है। भरत ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। विभाव, विभाव का अर्थ है सहृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः स्थित भावों को प्रकट करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि विभाव अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों के जो जागृत कराने वाले होते हैं, वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं तो विभाव कहलाते हैं। अनुभव, रति, शोक, हास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसीलिए उन्हें अनुभव अर्थात जो भावों का अनुगमन करे कहा जाता है। विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना मिलन के भावावेश में अश्रु, संवेद, रोमांच, अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी, आँखों का लाल हो जाना आदि अनुभाव कहे जाएंगे। भरत मुनि रस सूत्र की व्याख्या। भरत ने अपने सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्प्रति होती है यानी प्राप्ति होती है, जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों तथा औषधियों से षाडवादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रस रूप को प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ एक कुशल नट और नटी दुष्यंत व शकुंतला के रूप में उपस्थित होते हैं। ये पहले तपोवन के रमणीय कुंजों में मिलते हैं। विभाव, दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं तथा त्रिषित उत्सुक नेत्रों से एक दूसरे को देखते हैं। अनिच्छापूर्ण जाती हुई शकुंतला चोरी चोरी एक दृष्टिपात करती है। अनुभाव, वियोग में कभी उत्कंठा और कभी निराशा से व्यक्त होकर एक दूसरे से मिलने को आतुर होते हैं। व्याभिचारी, शकुंतला सौभाग्य से अपनी सखी की सहायता से दुष्यंत पर अपना प्रेम प्रकट करती है। इतने में दुष्यंत वहां आकर सहसा उपस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार दोनों प्रेमियों का संयोग हो जाता है। जब यह सम विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव आदि का संयोग कविता, संगीत, रंग वैभव आदि की सहायता से, जिन्हें भरत ने नाट्य धर्मी कहा है, रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है,
तो सामाजिक व्यक्ति के हृदय में वासना रूप में स्थित रति स्थायी भाव जागृत होकर उस चरम सीमा तक उद्दीप्त हो जाता है जहाँ सामाजिक व्यक्ति देशकाल का अंतर भूलकर सामने उपस्थित घटना में तन्मय हो जाता है और चरमावस्था को प्राप्त कर यह भाव उसे आनंदमय चेतना में विभोर कर देता है। यही आनंदमय चेतना रस है। भरत के संपूर्ण रस सिद्धांत के दो आधारभूत विषय हैं, नाट्य में रस की निष्प्रति तथा नाट्य रस का सामाजिक द्वारा आस्वाद। भरत ने रस के तीन अंग बताए हैं, ऐतिहासिक पात्र, अनुकर्ता या अभिनेता तथा दर्शक। अब इन तीनों में से सौंदर्यानुभूति दर्शक को होगी, ऐतिहासिक पात्र की अनुभूति भिन्न है। यदि ऐतिहासिक पात्र को ही अनुभूति होती है तो हमें क्या मतलब, प्रेक्षक नाटक देखने में क्यों रुचि लेगा? इन प्रश्नों का उत्तर बाद के व्याख्याकारों ने दिया। भरत के रस विवेचन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। रस अस्वाद नहीं, अस्वाध्य है, अर्थात अनुभूति नहीं है, अनुभूति का विषय है। इस प्रकार रस विषयीगत न होकर विषयगत है। रस नाटक का अनिवार्य एवं सार तत्व है। नाट्य रस का आधार भोज्य रस के समान भौतिक है। यह वस्तुतः एक पदार्थ है, विविध भावों से संयुक्त होकर एवं विविध अभिनयों द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार व्यंजन आदि में संस्कृत अन्न ही भोज्य रस का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार नाट्य सामग्री द्वारा प्रस्तुत स्थायी भाव ही नाट्य रस बन जाता है। स्थायी भाव रस नहीं है, वरन रस का आधार है। यहाँ स्थायी भाव से अभिप्राय नायक के स्थायी भाव से है, सहृदय से नहीं। नायक लोक का प्रतिनिधि होता है, अतः नायक के स्थायी भाव का अर्थ है लोक सामान्य का स्थायी भाव। निष्प्रति या संयोग। भरत ने निष्प्रति की व्याख्या इस प्रकार की है, जिस प्रकार नाना व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्प्रति होती है, जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्य व्यंजनों एवं औषधियों से शैडव आदि रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रस रूप को प्राप्त करते हैं, उनके आधार पर निष्प्रति का अर्थ है बनना या होना, स्वरूप को प्राप्त होना। संयोग। जिस प्रकार द्रव्य व्यंजन औषधि आदि का अन्न के साथ संयोग होने से शाडवादि अर्थात भोज्य रस बनते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव व व्याभिचारी भावों का स्थायी भाव के साथ संयोग होने से नाट्य रस बनते या सिद्ध होते हैं। इस प्रकार रस सूत्र का स्वयं भरत के मतानुसार अर्थ है विभाव, अनुभाव व व्याभिचारी भावों का स्थायी भाव के साथ संयोग या ससर्ग होने से रस की सिद्धि होती है। आधारभूत तत्व स्थायी भाव है। जब वह विभाव आदि से संयुक्त हो जाता है तो रस की सिद्धि हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। रस का प्रथम विचार किस विद्वान की कृतियों में मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भाव क्या देता है? अभिव्यक्ति की प्रेरणा। भाव क्या है? रचना कृति का प्राण। किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? चित्र में सौंदर्य की अनुभूति का निर्धारण कलाकृति और दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। रस की उत्पत्ति किससे मापी जाती है? भाव से। रस को किसका सहोदर माना गया है? ब्रह्मानंद सहोदर। रस का प्रथम विचार कब हुआ? भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में रस का प्रथम विचार हुआ।
आनंद वस्तुगत है या आत्मगत? आत्मगत। सभी भावों का मूल क्या है? स्थाई भाव। स्थाई भाव कितने माने गए हैं? 9। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य एवं निर्वेद। रति स्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की। शोक तथा उत्साह स्थाई भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? शोक से करुण रस तथा उत्साह से वीर रस। सांसारिक जगत की वस्तुओं की नश्वरता के स्मरण से किस भाव और किस रस की उत्पत्ति होती है? वैराग्य का भाव और शांत रस। अद्भुत पदार्थों को देखकर कौन सा स्थाई भाव जागता है? विस्मय। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में रस उत्पन्न होता है। जिस पात्र के सहारे भावों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आलंबन। अनुभव किसे कहते हैं? उन शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं जो आश्रय के मनोभावों को प्रकट करती है। अस्थाई और क्षणिक भाव किस नाम से जाने जाते हैं? संचारी या व्याभिचारी भाव। 9 स्थाई भाव किसके द्वारा वर्णित किए गए थे? अभिनव गुप्त द्वारा। रति स्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की। किस ग्रंथ के अनुसार श्रृंगार आदि रस माना गया है? अग्नि पुराण। आधुनिक विचारकों ने कौन सा 10वां स्थाई भाव माना है? वात्सल्य।